सतनाम वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना शरद रुत मूल ना मिटई काम शीतल थीवा नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सागल जाना सोन पर ताप गोविंद निरपाओ पय माना टूट न आवे मूल संचिया नाम तन्ना संत जना सिओ संग पाईए वड्डा पुन आठ पहर हर त्याए हर जास नित सोना संत जना सिओ संग पाईया वड्डा पुन्ना आठ पहर हर त्याए हर जस नित सोना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह मानस की गत है
अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाबो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाबो। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शत्र तख दे मालिक दया सिंध कृपा निध तन तनाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पुत्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्या पागां वाले हो जिन्हों ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज जिया ने बहुत वड्डी बख्शिश कृपा नदर कीती है। आपां नूं अमृत वेले दे जागणे बख्शिश कीते, तन दी तंदुरुस्ती ते मन दा सोहना उद्दम बख्शिश करके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। उपरंत सतगुरु जी ने सुभाग बख्शिश किया है कि अमृत वेले जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो समुची सृष्टि के कल्याण वास्ते समुची सृष्टि नूं शांति बख्शन वास्ते जो हुक्मनामा बख्शिश किया है, इस पावन हुक्मनामे की विचार सुन वास्ते गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे सतगुरु जी ने अपनी गोद विच बिठाया है। बहुत ही प्यार नाल अज दा पावन हुक्मनामा भाई साहिब होरां दी मुबारक रसना तो तुसी सरवण किया है। आओ इस पावन शब्द दी विचार तो प्रथम आपो अपनी सुरती करके हाजरी लाइए, शरीर दे नाल नाल सतगुरु जी दे चरणां विच सुरती दी हाजरी भी लग सके। एक बार दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस चुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु समुंदर है, समुंदर और सागर दा समुंदर दा कोई अंत नहीं हो सकता। एक मुसलमान फकीर जोगी लेखक जिसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का इतिहास लिखा और जदों भी तुसी कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज साहिब कमाल सच्चे पातशाह जी का इतिहास सुनोगे तो उस कवि का जरूर जिक्र होंगे। उन्हें एक गल बड़ी प्यारी लिखी, जदों उन्हें मुसलमान कहिंदे हन तू सिखां तो कोई रिश्वत ली है गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास लिखण लई, तैनू इन्नी वड्याई गुरु गोविंद सिंह महाराज की नहीं सी करनी चाहिए, तू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बहुत वड्याई कर दिती और तेरी किताब पढ़ किस तरह लगता है जिवें तू इस्लाम के पीरां की तौहीन की।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛੋਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਕੰਢਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਮੰਝਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ। ਨਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਨਾਵਣ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸੱਤ ਚਟੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ। ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਗਲ, ਬਾਵਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ
जीव जेडे सिख्या रूपी नदी दे सुरती दा इशनान नहीं कराउंदे उन्हां दे सिर विच सत बुक्कां सुआ होनिया चाहिए। नानक जे सिर खुथे नावन नाही तां सत चटे सिर शाही शाही मिनन सुआ। अज आपां गुरु समुंदर दे कोल बैठे इत्थों सिख्या रूपी नदियां रोज निकलदियां हन और तुसी सुरती करके इशनान करना तां अज तां सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान तो सतगुरु जी ने इस समुंदर विच्चों एक विचार एक सिख्या रूपी नदी बख्शिश की और संसार का कोई भी इंसान इस नदी विच इशनान करेगा डेफिनेट तो निर्मल हो जाएगा डेफिनेट पक्के रूप विच उहदा उधार जरूर होएगा। होर कोई शर्त नहीं है बस तू निर्मल भौ ते पैर रख के इशनान कर। तो महाराज जी अज पहला उन्हां दी गल कर दे जिन्हां ने इशनान कर लिया फिर सानू कहणगे तू उन्हां दी भी संगत कर उन्हां तो कुछ सिख ते तुम ही इस नदी विच इशनान कर। आओ प्यार नाल पहली पंक्ति सरवण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है। आखो सतनाम श्री गज के आख्या करो सतनाम श्री संत उदरण दयालं। संस्कृत भाषा चूज करके महाराज जी ने यह शब्द बख्शिश किए हैं। तो महाराज जी ने जो संत जन हैं वो इस संसार की मोह माया विकारां की तपश तो पार लंघ जाते हैं। महाराज किवें लंघ जाते तां हजूर कहिंदे दयालं आसन गोपाल कीर्तन है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जो दयालु है उदा आसरा लेके उदी कीर्ति दा आसरा लेके उदा कीर्तन सुन के इस तरह संत जन उस दयालु परमेश्वर वाहिगुरु जी दा आसरा लेंदे हन उदी कीर्ति दा आसरा लेंदे हन ते सौखे ही इस संसार दी तपश तो पार लंघ जांदे हन। उन्हां नूं इस संसार दी मोह माया तपश नहीं लगदी उन्हां नूं संसार दी मोह माया जाल नहीं सकदी उन्होंने संसार का मोह माया का जल डोबदा नहीं वो बहुत सौखे ही पार लंघ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दयालु परमात्मा वाहगुरु जी का आसरा लेंदे हैं उदी कीर्ति का आसरा लेंदे। एक शब्द मैं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों तुहानू श्रवण करवावां। बाबा कबीर साहब उत्थे कहिंदे कि संसार सारा ही जल रहा है इस तपश विच सारा संसार दग्ध हो रहा है किसी नूं किसी चीज का सेक लग रहा किसी नूं किसी चीज का हर एक दी सुरती संसार विच सड़ रही है। हां शरीर करके लोग सोहने लगते हैं शरीर करके खुशहाल दिसते हैं पर जदों तुसी सुरती विच वेखोगे तो बहुत दुखी। हजूर ने तिथों तक कहा तू अपना एक दुख खोल के दे वेख संसार दे सामने जिहदे कोल दुख खोलेगा वह अपनी पंडा खोल के रख देगा क्योंकि कोई भी बंदा सुखी नहीं दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकलो कोई तू अपना एक दुख दस दे सही जिन्हू दसेंगा वह सैकड़े पंडा दुखा दियां खोल के रख देगा क्योंकि सारा संसार दुखी है सारा संसार सड़ रहा है। तो महाराज कहने बचे कौन? अब मोहे जलत राम जल पाया। जदों का वाहगुरु जी का नाम कीर्तन जल जिहड़ा जलन तो तपश तो विकारां तो त्रिशना तो बचाउण दी समर्था रखदा है जदों का वह जल मिलिया है तदों की तपश खत्म हो गई। जिन्हों बहुत गर्मी लगे ना आप गर्मी विच फिर भजदे हां इशनान करन वास्ते तां जिहड़ी सुरती संसार दे विकारां ईरखा द्वेष वैर विरोध चिंता परेशानी झोरे इन्हां विच तड़फदी रहे उन्हों इको चीज शांत कर सकती है। शरीर की तपश कुछ पलों वास्ते कोई एसी मिटा सकता है शरीर की तपश कुछ पलों वास्ते पानी का इशनान मिटा सकता है पर सुरती की तपश सिर्फ वाहगुरु जी के नाम जल नाल मिटेगी। इसलिए गुरु जपाएगा जपया कर सतनाम श्री वाहगुरु। ते भगत कबीर साहब कहिंदे अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया। उदक मीनिंग जल पहला सीधा जल कह दिता फिर भाषा बदल के कहिंदे उदक उदक मीनिंग भी पानी।
राम उदक तन जल तब जाया रहाओ मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए। लोग मन नू मारण वास्ते कि मन दी तृष्णा बुझ जाए मन दे दुख मिट जान मन दी तपश मिट जाए मैनू किते सुकून किते शांति मिल जाए लोग एकांत पालदे हन अपना परिवार घर शहर छड के डलहौजी जाणगे किते होर शहर ते जाणगे एकांत विच जाणगे जिथे मन नू शांति मिले। पर महाराज कहिंदे किसे जगह ते मन शांत नहीं हुंदा। इक्को चीज नाल शांत होना है उह भावे तू घर विच बह के जप तैनू जपना पएगा सतनाम श्री वाहिगुरु। तन की तपश मिटाउण लई पानी दा इशनान कर लैना सुरती की तपश मिटाउण वास्ते तैनू नाम जल विच इशनान करना पैणा तैनू गुरु दे शब्द विच चुब्बी लाउणी पएगी। इसलिए राम जन राम उदक वाहिगुरु दे नाम दा पानी तन जल तबुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए। तो महाराज जी फिर ये जल जिहड़ा रब तो बगैर नहीं मिलता इहदे नाल मिटदा की है कहिंदे अंदर दी तृष्णा तपश अंदर दी तपश जिहड़ी किसे होर चीज नाल शांत नहीं हो सकती। देखो मनुखी मन दा सुभा है यह सुख पालद आपां सारे सुख पाल रहे हैं। और गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक थां ते कहा यह सुख लैण वास्ते पता की करदा इहदी तपश मिट जाए इहनू सुकून मिल जाए इहनू शांति मिल जाए यह चीजां दा बदलाव चाहुंदा बदलाव। मैं घर बदलना देश बदलना कंट्री बदलना लोग सुख चाहुंदे हन। और बाहर यूरोप दे यह अंकड़े दसदे ने दूजियां पश्चिम देशां दे तुसी उत्थों दे अंकड़े कढ़ाके वेख लैणे एक शहर विच लोग पंज जां सत साल तों वध नहीं रहिंदे घर बदल लैंदे ने एक घर विच पंज सत साल तों वध नहीं रहिंदे अपना घर चेंज कर लैंदे। उन्होंने इस तरह लगता है जिमें बदलाव विच कोई सुख है कुछ पलों वास्ते जदों नवा कर लेंदे ने मन विच इंज लगता है कि सुकून जे आया बड़े खुश हुंदे ने पर दो चार दिन बाद वो नॉर्मल हो जाते जिमें दूजे घर विच रहिंदे। तुहाडी जिंदगी का तजर्बा देना जदों तुसी प्रशादा छकण लगे हैं पहली ग्राही पहली बुरकी तोड़ दे हो ना तो सिर्फ तुहाडी जीभ इक्को ही बुरकी का स्वाद दसदी है कि टेस्टी है स्वाद है। उस तो बाद ते बंदा पेट भरन वास्ते खांदा है उस तो बाद स्वाद अलोप हो जांदा है। एदां दुनिया के हर पदार्थ विच कुछ पलां दा सुख है उस तो बाद सुख नहीं रहिंदा वह फिर नॉर्मल संसार के दुखां विच चलिया जांदा। महाराज सदीवी सुख किहदे विच रह सकदा कहण लगे जे पदार्थ तैनूं नवे मिलदे ने ते कुछ पलां दा सुख मिलदा जे सदीवी सुख चाहुंदा है फिर पदार्थ पैदा करने वाले परमात्मा दा नाम जप सतनाम श्री वाहिगुरु। उहदे पदार्थां विच कुछ पलां दा सुख है पर पदार्थ बनाउण वाले वी सदीवी सुख है। उहदे पदार्थां विच कुछ समय दा सुख है पर पदार्थ बनाउण वाले वी सदीवी सुख है। पर मनुख दी मेंटली इन्नी बिगड़ गई इस बंदे ने पदार्थ बदल के सुख लभना चाहिया जदों पदार्थां विच्चों सुख ना मिलिया अज संसार इन्ना दुखी हो गया। वह परिवार बदल के सुख लभना चाहुंदा है कि पदार्थ बदल के सदीवी सुख नहीं परिवार ही बदल दिओ। इसलिए विदेशां दे अंकड़े कह रहे ने कि 100 विच्चों घट्टो घट जिहड़े उत्थों दे लोग ने 89% लोग तलाक कर लैंदे ने डाइवोर्स कर लैंदे ने 99% विच्चों तलाक हुंदे ने। क्यों? लोग सुख चाहुंदे बदलाव दे सुख है। पर साहब दी बाणी समुचे संसार दा दुख हरण करेगी जदों ये गल हजूर कहणगे ओ इंसान पदार्थ बदलन विच सदीवी सुख नहीं मिलेगा परिवार बदलन विच सदीवी सुख नहीं मिलेगा। आ मैं तैनू गुरु दी सिख्या दी नदी विच इशनान करावां जिद्दण तेरा व्यवहार तेरी विचार तेरा आचार बदल जाएगा उद्दण जिथे भी बह जाएगा उत्थे सुख ही सुख होणगे। जिन्नी देर तेरा व्यवहार नहीं चेंज हो रहा जिन्नी देर तेरी नेचर तब्दील नहीं हो रही जिन्नी देर तेरा आचार चेंज नहीं हो रहा उन्नी देर जिथे मर्जी चला जाई सुख नहीं मिलेगा। जे सदीवी सुख चाहुंदे आ गुरु दी विचार दी नदी विच सुरती दा इशनान करा तेरी विचार आचार ते व्यवहार बदलदे सार तैनू सदीवी सुख मिल जाएगा। एक बचन तुहाडी रसना ते रहिंदा रोज दे स्रोते हो जिथे गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सुख नाही बहुते धन खटे। पहला भुलेखा सी माया ज्यादा होएगी ना तो ज्यादा सुख होणगे पर जिन्हां कोल है उन्हां वल वेख वह बहुत दुखी ने। सुख नाही बहुते धन खटे
ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਭੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਲੋਕ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਤ ਨਾਟਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਓ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਭੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਧਰਤੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਲੋਭ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਝੋਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ। ਸੰਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਯਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਆਸਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦਾ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਨ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪਰਤ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਆਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੁਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੰਤ ਆਪ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਭੇਖ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਭਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਲੈ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ,
तन एवे जालेन होन नजीक खुदाए दे पेत ना किसे देन। वो पेत नहीं देंदे किसे नू, छुप के रहिंदे हन। पर फिर रब अपना फर्ज की निभाउंदा है, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। रब अपने भगत नू प्रगट करदा, छुपन नहीं दिंदा। पर भगत दा इह सिधांत है, वह आप प्रगट नहीं हुंदा, आप छुप के रहिंदे। हां प्रेम विच रब नाल गल्लां कर लेगा, संसार नाल नहीं करेगा। ध्यान विच रखना, संसार नू पेत नहीं देगा, रब नाल जरूर गल्लां कर लेगा। कि तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, दुनिया नू नहीं दसेगा कि मेरे विच ते रब विच हुण कोई अंतर नहीं। रब नू जरूर प्रेम विच कह देगा कि तेरे तो बगैर मैं कुछ नहीं, ते मेरे तो बगैर तुम ही कुछ नहीं। प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी, जन करके रब प्रगट हुंदा, रब करके जन प्रगट हुंदे ने। पर जन दा इह सुभाअ रहना, वह अपना आप संसार दे सामने प्रगट नहीं करेगा। यह सिद्धांत पक्का रहना, जिहड़े अपने आप नू प्रगट कर देण वह कुछ सालां बाद डुब जाणगे। माफ करियो मगर तुरन वालियां नू भी डुब लैणगे। और सच्चे साधु दा संत दा इह सुभाअ है, वह आप अकाल पुरख की ओट लैंदा है, मगर तुरन वालियां नू भी उहदी ओट नाल जोड़दा है, अपने नाल नहीं जोड़दा। फिर उहदे नाल जोड़ के निर्मल कर दिंदा है, उहदा प्रेम विच इह सुभाअ रहिंदा है, उह रब नाल सिद्धियां गल्लां कर लैंदा है। ऐ दाता मैं ते डर जांदा कि तू अंतर जामी है। संसार अंतर जामी नहीं, यह लोग मेरा बाहरला भेख वेखदे ने, पर ए संसार नू बनाउण वाले निरंकार तू अंतर जामी है। मेरे अंदर दियां जान लैंदा, पर एक आसरा फिर अंदर आस जगाउंदा है। पता की, तू पततां नू भी तार दिना तां फिर तेरे नाल जुड़े रही, तेरा सुभाअ है। तू अंतर जामी ते है, औगण ते अंदर दे वेखदे, पर दूजे अंदर आसरा पैदा हुंदा है कि तू बख्शिंद भी है। औगण चितारदा नहीं, औगण को ना चितारे, वो कोई औगण चितारदा नहीं। सानू पता लगदा असी 20 बार चितारांगे किसे दा औगण, पर निरंकार दा सुभाअ है, किसे दा औगण नहीं चितारदा। भाई गुरदास साहब कहिंदे कि अंतर जामी सुन कंपत हो अंतरगत, मैं ते कंब गया कि रब ते मेरे औगण वेखद, पर नाल ही एक आसरा पैदा होया जिन्हें मैनू निरभौ कर दिता। केड़ी चीज ने, अंतर जामी सुन कंपत हो अंतरगत, पतत पावन सुन आसा और धार हो। जो मेरे मन चाहे वह पतत पावन भी है, फिर मैनू आसा पैदा हुई नहीं, औगण वेख लैंदे, औगण मिटन की भी समर्था रख। एक कवित मैं तुहानू होर सुना दा, 6 एग्जाम्पलां इको कवित विच दित्तियां। जदों कोई गल बहुत कीमती होवे, ध्यान नाल सुनना, जदों गल कोई बहुत कीमती होवे उहनूं फिर बहुत सारियां एग्जाम्पल दे के सिद्ध करना पए, उहदे बारे बहुत कुछ कह के फिर वह गल कही जाती है, तां जो सुनन वालियां नूं पहलां सारे पक्ष तों तसली हो जाए, फिर वह असल शीशे की तरह गल सामने आ जाए। 6 एग्जाम्पलां इको ब्रिज भाषा के कवित विच भाई गुरदास जी ने कही, फिर तत् की गल की, और तुसी जिन्ने बैठे हो उहदे मुताबक बहुत वड्डे भाग ने, पर अरदास करियो कि किते अहं पैदा ना हो जाए कि मैं ते हुण बहुत अगे हो गए, इस चीज तो भी बचन। भाई गुरदास साहब कहिंदे जे किसी कपड़े नू ना धोईए ना, तुसी मन लोगे गल, एग्जाम्पल है, और संसार दे लोक मनणगे, क्योंकि कोई भी बंदा बिना किसी लॉजिक तो गल मनन लई तैयार नहीं। वह कहिंदा मैनू दिखाओ फिर मैं मनांगा, गल पहला कोई प्रतख प्रमाण होवे। भाई गुरदास जी कहिंदे कपड़ा ना धोईए वह मैला हो जांदा, मैला कपड़ा बिना धोते तो साफ हुंदा ही नहीं, उहनू धोना पैंदा। जे उहनू नहीं धोंगे वह मलीन हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, पहनण दे योग नहीं रहेगा। दूजी एग्जाम्पल मैं संकेत विच कहांगा, सिर दे केस ने इनू थोड़े दिन ना धोवो, तेल ना लावो इनू, आपां केसां विच तेल ला के इनू बोहने ना, केसां नू तेल ना कोई लावे, इनू इशनान ना करावे, कुछ दिनां महीनियां बाद कुरूप हो जाणगे, ये केस जटां बन जाणगे, ये भयानक रूप धारण कर जाणगे। तीजी उदाहरण, घर दे विच दीवा ना बालो, हुण ते तुसीं इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोई बल्ब इलैक्ट्रिसिटी सिस्टम नाल कोई बल्ब ट्यूब ना लाओ, ते नेरा ही रहेगा, हनेरे विच बंदा ठोकरां खांदा, भावे अपने घर विच ही होवे, लोक अपने घर विच भी ठोकर खा के डिग पैंदे ने हनेरे विच। तीजी गल,
ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਜੇ ਘਿਓ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਭੋਰਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਮਕ ਮਸਾਲਾ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ, ਰੋਜ਼ 20 ਵਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਆਈਨਾ ਟੰਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਰਤੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਤੇਲ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਵਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਧੋਏ ਬਿਨ ਅੰਬਰ ਮਲੀਨ ਹੋਤ, ਅੰਬਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਪੜਾ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਮੇਲੇ ਜੈਸੇ ਕੇਸੂ ਭਿਆਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਂਜੇ ਬਿਨ ਜੋਤਹੀਣ ਹੋਤ, ਵਰਖਾ ਬਿਹੂਨ ਜੈਸੇ ਖੇਤ ਮੇ ਨਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਦੀਪਕ ਭਵਨ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੂਣ ਕ੍ਰਿਤ ਬਿਨ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਨੂੰ, ਲੂਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੂਣ ਕ੍ਰਿਤ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ, ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੈਸੇ ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ, ਮਿਟਤ ਨਾ ਭੈ ਭਰਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤੀ ਠੰਡੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਦਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਦ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਠੰਡਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਲੋਕ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਲੋਕ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਵੱਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦੇਖ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ, ਕਲ ਭਗਵਤ ਬੰਧ ਚ ਰਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਕੂੜ ਕੰਠ ਦਰਾਖ, ਰੇ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਖ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਉ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਮੀਨਿੰਗ ਤਪਸ਼, ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦੀ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ,
जपंदड़ू हर नाम आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु दी संगत विच बह के जप सतनाम श्री वाहेगुरु, फिर तेनू नाम ही ठंडक दे सकदा है, नाम ही शांति दे सकदा है। शीतल थी वै नानका, तेरी सुरती तेरा मन तां शीतल हो सकदा है। जपंदड़ो हर नाम, होर कोई तरीका नहीं। एक थां ते महाराज ने कहा, ताहन लागे धर्म राए किने न कालियो बंद, नानक उबरे जप हरी साध संग सनबंद। तो साध संगत न सनबंद रख, ते संगत विच बह के जप, यही तरीका है उस निरंकार तक पहुंचण दा। एक पॉइंट मैं होर तुहाडे समक्ष करना, जिंदगी विच अपने सारयां दे कम आएगा। फिर इस रस्ते ते तुरन वाले नू शांति मिलती है, वह विकारां दी तपश तो पार लंघ जांदा है। पर एक नियम होर कम करेगा, उन्हूं दावा छड़ना पएगा। नहीं तो साहब कहिंदे दावा अगन बहुत तृण जाले, नाम भी जपदा है संगत विच भी रहिंदा है पर फिर भी सड़िया रहिंदा है। महाराज क्यों कहिंदे, उन्हूं दावा हो गया दावा कि मैं रोज इन्ने बजे उठना, मेरा इन्ना सिमरन, मैं सब तो मोहरे होना। यह दावे ने उन्हें सार दिता है। दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी, कोई विरला ही हरिया रहिंदे, नहीं तो दावा भी सार दिंदा है। कबीर दावे दजन होत है, निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे सो गणे इंद्र सो रंग। सज्जन ने दिहाड़ी लाई और दिहाड़ी ला के शाम नूं 5 बजे कपड़े लीड़े झाड़े कलर खड़ा करके ते मालक दे सामने, सरदार जी पैसे दो। उन्हें पर्स कढ़िया, कोई गल नहीं भाई दिहाड़ी लाई है। दिहाड़ी लाने वाला थोड़ा अकल नाल मंगदा, कम किया एवं थोड़ी मंग रहा, मेहनत की दिहाड़ी लाई कम किया तो पैसे मंग रहा, थोड़ा अकल नाल मंगदा। तौड़ अकड़ी हुई बोलां वे थोड़ा करकपन, सरदार जी पैसे दो। ते सरदार जी ने फिर पैसे कट के देने लगे, किन्नी दिहाड़ी भाई? 200 रुपया जी। अजे पैसे देने लगे, इन्ने नू एक मंगण वाला सज्जन आ गया, बड़ा नताना जिहा, बड़ा निमाणा जिहा। उन्हें आके हाथ जोड़ के कहा, सरदार जी मैनू भी पैसे चाहिए, थोड़ी मदद कर दियो, लोड़ है, मेरी लोड़ है। ते सरदार जी पुछ रहे, अच्छा दे देना, किन्ने पैसे चाहिए जी? 200 दे दो। हुण बड़ी हैरानी वाली गल, एक बंदा दिहाड़ी ला के 200 मंग रहा है, एक कुंज मंग रहा। सरदार जी दे मन च आया, दे दिने, चलो मंगण ही आ गया, हुण की है। नाल सरदार जी ने एक गल पुछ ली, नाले ते पुछदिआं 200 रुपया दिहाड़ीदार दी तली ते रख दिता, लै वे तेरा 200 दिहाड़ी दा। ते नाल ओ सरदार जी ने पुछ लिया मंगण वाले नूं, तेरा 200 नाल सर जाएगा बे, किते होर ते नहीं मंगण जाएगा? उन्हें कहा, जी सरना ते 500 नाल है, तुसी 200 दे दिओ, 300 किते होर मंग लांगा। ते फिर वह गुरमुख सज्जन दे मन च आया, कहन लगा इत्थों मंगण आया फिर होर किते मंगेगा, जा होर मंगण दी लोड़ ही नहीं पैगी, तू 500 लै, होर क्यों मंगना किते? आ लै फिर 500। जदों मंगते दी तली ते 500 रखिया, दिहाड़ीदार दा घुम गया एकदम, हैरान होकर पुछदा, सरदार जी ये की? मैं सारा दिन तसला सिर ते चुकया, सारा दिन दिहाड़ी लाई इट्टां चुकियां, मैनू 200 रुपया, मंगण वाले नू 500 रुपया। ते सरदार जी ने जवाब दिता, सज्जना तू दिहाड़ीदार है, तू व्यापारी है, तू अपनी मेहनत मंगी है। इस बंदे ने मेहनत नहीं की, ये बिना मेहनत तो नताना होके मंगदा है। उहदे बोलां विच निम्रता है, उहदी तौण तेरी तरह अकड़ी हुई नहीं, उहदे बोलां विच करकतपन नहीं, उहदा सिर चुकया है, उहदे हथ जुड़े ने। उह निम्रता नाल कहिंदा, मैं मेहनत करन जोगा ही नहीं, पर मेरी लोड़ 500 दी है, पूरी कर दे। उस सरदार ने 500 दी तली ते रख दिता, व्यापारी नू सिर्फ मेहनत दा 200 मिलदा। एक बेनती समझो, दिहाड़ी लाउणी चाहीदी है, सिख नू नितनेम करना चाहीदा, सिख नू संगत विच आउणा चाहीदा, सिख नू वर्तन मानजणे चाहीदे ने, सिखा तैनू सेवा करनी चाहीदी है। पर दिहाड़ी ला के किते मेहनत ना मंग लई, क्योंकि इत्थे मंगण वाले किते अगे लंघ जांदे ने, मेहनत वाले पिछे रह जांदे। किते ना होवे तू मेहनत करके भी पिछे रह जाए, मेहनत कर पर हाथ जोड़ के कह, ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही। महाराज कहिंदे इस तरह निम्रता विच नहीं,
अगली पंक्ति पौड़ी दी सरवण करो जी। पौड़ी चारण कमल की ओट उदरे सागल जान। तेरा पार उतारा हो जाएगा, सारे जन उधर जाते ने, पर चरना कमलां दी ओट लेनी पैंदी, आसरा लेना पैंदा। आसरा ओ लैंदा जिहदा अपना बल नहीं। तू कर्म कर पर अपने बल का अहंकार ना करी, ओट लेके तुर, ओ सारे सेवकां नूं पार लंघा दिंदा है। सुन परताप गोविंद निरपाओ अए मान। फिर वो इन्ना वड्डा तेनू निराश नहीं होन देगा, अपने प्रताप की तेनू जानकारी दिंदा रहेगा, अपने ताकत बारे तेनू दसदा रहेगा, निराश ना होई। जे तेरे भागां च नहीं भी लिखा हो तां भी लिख देगा, तेनू अपने प्रताप की जानकारी दिंदा रहेगा कि हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्टर मारिया प्रहलाद तराया। ये चीज भगतां दे रब दे प्रताप की जानकारी मिलती है, ते जपन वाला निरपौ होके जपद है। क्यों? ओनू विश्वास है जे निरप कन्या के कारण एक पया पेख तारी का मारती स्वार्थी बाकी पै सवारी, मेरी भी पै सवारेगा। ए चीज निरपौ करके जपन वाले नू जपौंदी रहिंदी है। तोट ना आवे मूल संचया नाम धन। फिर वो इन्ना क धन कट्ठा कर लेंदे ने, मूलों भी तोट नहीं आउंदी, वो रज्जे रहिंदे ने, करोड़ां चो जे हजारां वंड भी दित्ते जाण घाटा नहीं पैंदा। फिर वो जपण वाले दूजियां नूं वंडदे ने, इस तरह खजाने दे मालक बन जांदे हन। संत जना स्यो संग पाईया वड्डा पुन। फिर संत जना दी संगत मिले, पर किन्हां नूं मिलदी है? जिन्हां नूं वड्डे पुन वड्डे भाग जाग गए उन्हां नूं इस तरह की संगत मिलदी, उन्हां दी संगत मिलके वह भी तुर पैंदे हन, वह भी फिर संगत विच जपदिआं जपदिआं उन्हां दी सुरती अगे तुर पैंदी है। आठ पहर हर त्याए हर जस नित सोन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उठे ही पहर 24 आवर 24 घंटे ओनू अपनी नजर दे सामने रख दे, त्यौंदे रहिंदे ने, ओदा यस सुनदे रहिंदे, अठे पहर उन्हां नूं सुनाई दिंदे। शब्द लवेरा है पर मैं तुहानूं पंक्तियां सिद्धियां सुना दां। आसा महला पंजवा, उत्थे महाराज कहिंदे आठ पहर निकट कर जाने। अठे ही पहर जपदे ने और नेड़े जाणदे रब नूं। आठ पहर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा मन ने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। संत की रहत सुनो मेरे भाई, उहां की महिमा कथन ना जाई। वो कथन तो बाहर जिड़े इस तरह जप के वड्डा पुन वड्डा खजाना कट्ठा कर लेंदे। और महाराज कहिंदे संसार रोगी है पर जपन वाले रोगी नहीं हुंदे, क्योंकि वह नाम जप के पार लंघ जांदे। एक बार मन नूं पढ़ायो पंक्ति, पवजल बिन शब्द क्यों तरी है, पवजल बिन शब्द क्यों तरी है, बिन शब्द क्यों तरी है, पवजल बिन शब्द क्यों तरी है, बिन शब्द क्यों, पवजल बिन शब्द क्यों, बिन शब्द क्यों तरी है, पवजल बिन शब्द क्यों तरी है, बवजल बिन शब्द क्यों तरी है, बिन शब्द क्यों, बवजल बिन शब्द क्यों तरी है। नाम बिना जग रोग व्यापिया, नाम बिना जग रोग व्यापिया, नाम बिना जग रोग व्यापिया, नाम बिना जग डुबदा डुब डुब मरिए, पव जल बिन शब्द क्यों तरी है, बिन शब्द क्यों तरी है, पव जल बिन शब्द क्यों तरी है, डुबदा डुब डुब मरिए, पव जल शब्द क्यों तरी, बिन शब्द क्यों, पवजल बिन शब्द क्यों तरी है। नाम बिना जग रोग व्यापिया, डुबदा डुब डुब मरी है। सतगुरु कृपा करन,
असी इस रोग तो मुक्त हो सकीए और सुरती करके जेडे रोग हन वो इसे नदी विच इशनान करन नाल उतरने हन। अपन गुरु अग्गे अरदास करनी महाराज असी बच्चे हाँ किते तिलक ना जाइए आप बांह पकड़ के साडा इशनान भी करा दिओ सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां समूह साध संगत दे चरणां विच बेनती है समूह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो भगत धन्ना जी साहब जी दा पावन प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है सब थां तों नगर कीर्तन पहुंच रहे हैं। 11 तरीक नूं उस स्थान ते नगर कीर्तन पहुंचने हैं। वध तों वध संगतां शमूलियत करन तन मन धन नाल सेवा करके गुरु की खुशियां प्राप्त करन। आखरी पंक्ति सर्वं करो जी संत जना स्यो संग पाईया वड़ा पुन्न आठ पहर हर त्यारे हर जस नित सुन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।